चींटी और कबूतर। एक बड़े से जंगल में एक चींटी पेड़ पर से तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उस चींटी को तालाब में डूबते हुए देख लिया था। उसने पेड़ का एक पत्ता तोड़ लिया और उसने पत्ते को चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और शुक्रगुजार होकर कबूतर से धन्यवाद कहा। वो बहुत थक गई थी। कुछ हफ्तों बाद एक शिकारी उस जंगल में आया। शिकारी का तो काम ही है शिकार करना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर जाल बिछाया और फिर पक्षियों के जाल में फंसने की राह देखने लगा। वो चींटी जाल के पास से ही गुजर रही थी। उसने शिकारी की सब तैयारी देख ली थी। उसने देखा कि वही कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी वो धीरे धीरे जाल में फंसने के लिए नीचे आ रहा था। उस चींटी ने आगे जाकर उस शिकारी के पैर को इतनी जोर से काटा कि वो शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। आ, आ, हे भगवान, मर गया। कबूतर ने देखा कि वो आवाज कहां से आ रही थी और उस शिकारी को देखकर उसे सब समझ में आ गया और वो दूसरी दिशा की ओर उड़ने लगा और उसकी जान बच गई और चींटी भी वहां से निकल गई। मस्ती करेगा ये सोचते हुए टहल रहा था, उसे पेड़ पर एक बंदर दिखा। हाथी ने कहा, बंदर भैया, आप मुझसे दोस्ती करोगे? तुम्हारी और मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? दूसरे दिन उसे एक खरगोश मिला। क्यों खरगोश भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? आप तो बहुत बड़े हो, आप मेरे छोटे से घर में कैसे घुस सकते हैं? आपकी और मेरी दोस्ती तो हो ही नहीं सकती। अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। अरे वाह, अच्छी जबरदस्ती है। तुम इतने बड़े, मैं इतना छोटा, कुछ तो सोचो, हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है भला? तुम मेरे जैसे कूद भी तो नहीं सकते हो ना? जाओ भाई, किसी और से पूछ लो। अचानक उसे एक लोमड़ी मिली। हाथी ने उससे रोका और कहा, भैया सुनो, सिखाना ही पड़ेगा। गया हाथी ने जब सभी को ये खुशखबरी सुनाई तब सारे जानवर बहुत खुश हो गए। सभी ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और बोले, हमारा दोस्त बनने के लिए तुम्हारा आकार बिल्कुल सही है।